के मुकुंदगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुकुंदगढ़ थाना इलाके में सरपंच चुनाव में जीत के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है। इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी को मांडासी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए चुनाव हुए थे, जहां पर सरपंच पद की प्रत्याशी अनीता एचरा ने चुनाव जीता और उसके बाद उसके समर्थकों ने जीत का जुलूस निकाला। इसमें कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग की और खुशी मनाई। इस मौके पर जुलूस में न केवल सरपंच का चुनाव जीतने वाली अनीता एचरा के पति राजेश एचरा थे, बल्कि अन्य भी लोग थे। जिन लोगों ने फायरिंग की उनमें से दो की पहचान हो गई है। ये सुविधा महावीर सिंह और उनके बेटे नरपत सिंह थे और इसके अलावा एक अन्य युवक भी रिवॉल्वर के साथ फायरिंग कर रहा था। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है और इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही हथियार लाइसेंस के थे और जी राजस्थान न्यूज इस वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, इसीलिए जी मीडिया सवाल उठा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी आखिर हथियार जमा क्यों नहीं हुए। सवाल यह भी कि जीत का जुलूस निकालने और हवाई फायरिंग की इजाजत आखिर कैसे, और पुलिस में मुकदमा दर्ज करने से आखिर किसने रोका है, पुलिस आखिर इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। संदीप केडिया जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अभी तक क्या पहचान हो पाई, आखिर कौन ये लोग हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्यों मामला दर्ज नहीं किया? जी बिल्कुल, इस मामले में जो तीन हथियारों के साथ जो लोग दिख रहे हैं उसमें दो की पहचान हो गई है, एक बाप और बेटे ही हैं और ये तीनों ही हथियार अभी हमारी जो जानकारी आई है उसमें लाइसेंस के है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आचार संहिता लगने के साथ ही हथियार जमा कर लिए जाते हैं संबंधित थाने में, लेकिन इनके हथियार भी जमा नहीं हुए बल्कि इन्होंने जुलूस में पहली बार जुलूस निकालना भी प्रतिबंधित है और साथ ही हवाई फायर भी बिना इजाजत के ऐसे नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सूचना ये मिली कि पुलिस ने के पास जब ये सूचना पहुंची तो पुलिस ने भी महज खानापूर्ति कर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजकल हम देखते हैं, सुनने में भी है और कई मामले झुंझुनू में भी हुए हैं कि हथियारों के साथ जब कोई फोटो ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है उसके खिलाफ पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन अब ये हवाई फायर हुए हैं, आचार संहिता में हुए हैं, बिना इजाजत के हुए हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल कई हैं और इस तस्वीरों में जो नजर आता है साफ कि किस तरीके से हवाई फायरिंग यहां पर की जाती है, हालांकि पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा जो है, केस जो है दर्ज नहीं किया गया है और कई सवाल हैं जो इसीलिए खड़े भी हो रहे हैं कि आखिर क्यों कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर नहीं की गई है और आखिर आचार संहिता लगने के बावजूद भी क्यों ये हथियार जमा नहीं थे।